Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक atmospheric horror game. और इस game का नाम है Animoyapolis. I think इसे ऐसे pronounce करते हैं. मेरे से वेट नहीं हो रहा. लेट्स गो स्टार्ट करते हैं. वेल, तो गेम स्टार्ट हो चुका है और शायद इस टाइम हम लोग किसी कार में हैं या फिर उस कार को ड्राइव कर रहे हैं. Okay. Hey honey, I'm sure you're busy with work. Just letting you know that I don't know when I'll be home tonight. Okay, तो अभी हमने अपनी वाइफ को कॉल कराया और उसे बोल दिया कि आज हम लोग घर पर देर से आएंगे. A bunch of empty lots, I guess. The developers never built anything here. Oh. Anyways, for some reason we didn't realize that this place was sucking up like 15 times the amount of energy that it should be for like 30 years. Okay. You know, the usual bullshit. Anyways, still looking forward to the curry, but don't be afraid to put it in the refrigerator. Done. Love you. Bye. तो हमारी मतलब इस गेम के कैरेक्टर की इसकी वाइफ से कॉल पे नहीं बात चल रही थी, एक वॉइस मैसेज छोड़ा है उसके लिए कि हम लोग आज ऑफिस से देर से आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा. तो शायद अभी हम लोग किसी जगह पर आ चुके हैं, बट स्क्रीन पूरी ब्लैक है. कुछ भी ओके. तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पर आए हैं. यूज माउस टू लुक अराउंड, WASD टू मूव. नाइस. तो ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट दूर दूर तक यहाँ पर मुझे कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा. बट अच्छी बात यह कि अपने पास अपनी एक कार है, द मर्सिडीज बेंज CLA 45 AMG. लेट्स गो. तो मुझे, मैं इस कार के अंदर जा सकता हूँ क्या वापस? नहीं, मैं कार को तो ड्राइव नहीं कर सकता. बट यार, मैं ये कैसी सी जगह पर आ चुका हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, किसी से मिलना था, कुछ आइडिया नहीं. बट मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि भले ये दिन का टाइम हो, बट यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ तो मेरे साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये एक हॉरर गेम है और हॉरर गेम में सुनसान जगह ही खतरनाक होती है. लेट्स गो. वेलकम टू, ये सामने क्या है? व्हाट अ सैड बिलबोर्ड. मैं इसको शायद जूम करके देख सकता हूँ. वेलकम टू Animoyapolis क्लोज्ड. ये बिलबोर्ड लगाया किसने पहले तो मुझे ये बताओ. यहाँ पर दूर दूर तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बट एक बिलबोर्ड लगा हुआ है. प्रेस स्पेस बार टू जंप ओवर द ऑब्स्टेकल्स. मुझे जंप करके उस तरफ जाना है क्या? वहाँ पर मुझे सामने कुछ तो मशीन सी नजर आ रही है, क्या वो? एक सेकेंड, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर, लेट्स टेक अ लुक. हाँ, मुझे भी कुछ इसी टाइप का लग रहा है, बट यहाँ पर ये कर क्या रहा है? सोचने वाली बात तो ये है. पता नहीं कैसी सी जगह है यार, ऐसी जगह कहीं रियल लाइफ में होगी भी? अगर होगी तो मुझे उस जगह के बारे में बताना, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, उसके आसपास भी नहीं जाऊँगा भाई. बहुत ज़्यादा ही सुनसान है. यहाँ पर एक वायर निकल कर जा रही है और ये वायर, वो वहाँ सामने भी कुछ तो है. वेट 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 वेट, जल्दी से मैं इस वायर को फॉलो करता हूँ. एक बार उस जगह के पास चलते हैं और वहाँ पर कुछ तो है. मतलब प्रेस ई टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. पता नहीं वहाँ पर कुछ तो मशीन सा ये बना हुआ. ये क्या था? मैं शायद कोई नीचे, एक मिनट यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा तेजी से किसी जगह पर नीचे गिर रहा हूँ. और ये देखो, मैं किसी बहुत ज़्यादा खतरनाक अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ गया हूँ, जो कि जगह बहुत ज़्यादा हॉरर लग रही है देखने में. बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड किसी ने ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल कैसे बना रखा है? क्या यहाँ पर कोई स्विमिंग क्लासेस चलती है? बट वेट यार, ये जगह सच्ची में ना थोड़ी बहुत अजीब सी है. और इस गड्ढे से मैं आके गिरा हूँ. ऐसी जगह कौन और क्यों बनाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा. ये थोड़ा बहुत ना मुझे Area 51 वाली वाइब दे रहा है. क्या यहाँ पर एलियंस वगैरह तो नहीं आते, या फिर यहाँ पर कोई इंसान का आता पता ही नहीं है? पता नहीं यार, मेरे को बिल्कुल ऐसे फील नहीं आ रही कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान रहता है. इतना बड़ा स्विमिंग पूल एक सुनसान जगह की बेसमेंट में, पता नहीं यार क्या सीन है. क्या ठीक है, मैं ना पहले तो चुपचाप यहाँ पर पानी से बाहर निकलता हूँ. ठीक, ओए मैं पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा. यहाँ पर चेयर्स तो लगी हुई है, और ये चेयर लगी है इसका मतलब यहाँ पर इंसानों का आना जाना है, क्योंकि ये चेयर इंसान ही बना सकते हैं. बाकी मेरे को अच्छी बात तो ये लग रही है कि मुझे स्विमिंग करनी आती है, अदरवाइज़ मैं पानी के अंदर डूब जाता. और ये पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा है, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं इस पानी से बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे, क्योंकि जंप करनी मुझे आती नहीं. और मुझे ऐसे फील आ रही है कि थोड़ी देर में कोई पानी से कोई बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर आएगा और मुझे खींच के पानी के अंदर ही ले जाएगा. आई शुड बी डेड राइट नाउ, वेयर एम आई? मुझे खुद नहीं मालूम यार, मैं तो चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा. लेट्स गो. मैं पानी से बाहर, यार अचानक से मत आना प्लीज़ यार, जो भी है ना थोड़ा
सामने वामने से आओ, डरा दो कोई नहीं, बस पीछे से धप्पा नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेट्स गो। हेलो, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी है। मैं चुपचाप ना एक बार, यहाँ पर एग्जिट है, चुपचाप यहाँ से बाहर निकलते हैं। बट ये दोनों के दोनों दरवाजे लॉक्ड हैं। वेट, वहाँ पर सामने ना एक छोटा सा दरवाज़ा मुझे और नज़र आ रहा है, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार एग्जिट वाला गेट ये था, अब ये गेट खुल नहीं रहे, तो मैं कहाँ से बाहर निकलूँगा? मुझे कोई आइडिया नहीं। जिस गड्ढे से मैं नीचे आके गिरा हूँ, यहाँ से वापस बाहर जाना तो साफ साफ इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है ये वाला दरवाज़ा खोलने का। ये दरवाजे है क्यों यहाँ पर यार, जब ये सारे के सारे लॉक्ड ही हैं? तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार इस गेम में। इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड जगह पे कोई स्विमिंग पूल क्लासेस तो देगा नहीं, और इतना बड़ा पूल बनाने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट होता होगा, या फिर एलियंस अपना UFO यहाँ पर उतारते हैं और सीधा पानी के अंदर जंप मार के अपने काम पे चले जाते हैं। भाई कुछ तो अजीब है इधर सच्ची में, तो बिल्कुल भी सोचने लायक नहीं है। बाकी ये क्या है यार, यहाँ पर ऊपर एक लेटर्स लगी हुई है, और इस लेटर्स का क्या यूज़ है? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये जो लेटर्स है ना, ये मूव होके नीचे आएगी और फिर इसके ऊपर चढ़ के मैं सामने जाने वाला हूँ। बट इसको नीचे लाने के लिए ना, यहाँ पर देखो एक वायर है, मैं इस वायर को फॉलो करता हूँ, और वो वायर जा रही है उस चेयर के पीछे। यार ये जगह ऐसी बनी है ना जैसे यहाँ पर स्विमिंग क्लासेस ही चलती है, क्योंकि चेयर का होना और इधर भी काफ़ी सारे बेंचेस लगे हुए हैं, तो पक्का यहाँ कुछ तो अलग ही सीन है। बाकी इधर एक बॉक्स है जिसमें मुझे एक बेसिक सा पजल सॉल्व करना है दो कनेक्शन को कनेक्ट करके, और वो देखो सामने से लेडर्स जो है वो नीचे आके गिर चुकी है, और लेडर्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्टेयर्स बन गई। अब ठीक है, फटाफट से इसके ऊपर मैं चढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और वेट 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 वेट, एक सेकेंड, सामने तो मैं अभी भी नहीं जा पाऊँगा चाहे मैं कितनी भी ऊँची जंप करने का ट्राई कर लूँ सामने का, लेकिन रास्ता बहुत गंदा है, जाने का मन भी नहीं कर रहा वहाँ पर। इधर कुछ तो बना हुआ है यहाँ पर, ये सर्कल वाला है, इसके बीच में हाथ आए। ओ वेट वेट, मैं समझा, क्या अगर मैं इसको घुमाऊँगा, ओ तो ये रोटेट हो रहा है, ये देखो ये वापस चला गया, और अभी मैंने इसको रोटेट करा तो ये वापस यहाँ पर आ गया, और आई थिंक मैं इसके ऊपर मैं नीचे आके गिर गया। मैं समझ गया हूँ मुझे कहाँ और कैसे जाना है। सबसे पहले मैं जंप मार के आऊँगा इधर, उसके बाद जंप मार के जाऊँगा इधर, फिर यहाँ से जंप मार के सामने। लेट्स गो, मैं अभी आ चुका हूँ इस जगह पे, और यहाँ पर तो बहुत सारे रूम हैं, बट ये लॉक है। ओपन प्लीज़, ये भी लॉक। क्यों बने इतने सारे रूम जब सारे के सारे लॉक ही होने हैं? तो ये भी नहीं खुला, ये भी नहीं खुलेगा। छी, यहाँ पर सामने मुझे पानी चलने की, अरे ये क्या जगह है? इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड बेसमेंट में हर जगह पर ये स्विमिंग पूल्स क्यों हैं? मतलब इतने ज़्यादा प्यारे लग्जरी स्विमिंग पूल एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में क्या कर रहे हैं? या तो जिन एलियंस का ये है उन्हें पानी में ही रहना पसंद है, बट यार ये सारी चीज़ें ना इंसान की बनाई हुई लग रही है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर एक कुछ तो है, पता नहीं कोई लाइट है या फिर क्या है, कुछ ऐसा खास समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक बार ना चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मेरे को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है यहाँ से बाहर निकलने का। इस तरफ में मुझे एक जगह तो नज़र आ रही है, मैं एक बार जंप मार के ना इधर चलता हूँ। क्या मैं उधर जा सकता हूँ? यस, मैं इधर आगे में दूर इधर दरवाज़ा ओपन प्लीज़। नहीं यार, वो भी ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर बोल पड़ी है बहुत सारी, यार ये एलियंस वगैरह बोल तो लेकर आएंगे नहीं, मैं 100% श्योर हूँ। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। बहुत सारे स्विमिंग पूल है, और नीचे क्या ये लाइट है ना? यस, ये कितनी प्यारी और मतलब अलग ही लाइट है, यूनिक सी, पता नहीं LED तो नहीं है, कुछ अलग है। और इस इतनी बड़ी जगह पर कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और ये क्या लीवर है? इसको ऑन करा, पानी की आवाज़ तेज़ हो गई इसको ऑन करने से। बंद करूँ? शायद इससे कहीं ना कहीं पर पानी चालू हो रहा है, मुझे ऐसे फील आ रही है, मतलब कहीं इसका पानी बढ़ने ना लग जाए और मैं डूब के मर जाऊँ। ओ वेट, तो ये पानी यहाँ पर चालू हो गया जैसे पहले चालू नहीं था। एक बार मैं इसे रोटेट करूँ, यस, पर शायद मुझे इस जगह पर पानी भरने देना। ले भाई तू पूरा पानी भर, और बाद में जब ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा शायद कोई ना कोई नया रास्ता खुल जाए या कुछ तो हो जाए जो हमारे काम आ सके। यहाँ का भी पानी एकदम मस्त भरने में लगा। एक मिनट, यहाँ पर एक लॉक है। ओ वेट, ये लोग ऐसे खुलेगा क्या? ओ उसमें पानी डाला और चीज़ ख़राब हो गई। यप, ये वाला लॉक खुल चुका है, तू वापस उधर ही मुँह कर भाई, अपना पानी वहीं पर जाना चाहिए। लेजी रिवर का सामने रास्ता है, और इस तरफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा पूल है जिसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा। इतने सारे स्विमिंग पूल क्या है? ये वाटर पार्क है क्या कोई? यार मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं किस जगह से किस जगह पर पहुँच जा रहा हूँ। फिर से एक स्विमिंग पूल आ गया बहुत ज़्यादा बड़े वाला। ठीक है, मैं ना यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता हूँ।
ये रास्ता पक्का मुझे कोई ना कोई तो अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। शायद यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है बहुत साल पहले कोई बच्चे बच्चे खेलने आते होंगे, बट क्यों आएंगे यार यहाँ पर, एकदम मतलब गंदी अजीब सी हॉरर जगह। यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं, फिर भी सारी लाइट्स जल रही है। छी भाई, मैं चुपचाप ना यहाँ से उतरता हुआ कहीं तो जा रहा हूँ इस राइड को लेते हुए, और यहाँ पर फिर एक स्विमिंग पूल। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, मुझे वाटर पार्क से डर लगने लग जाएगा अगर यहाँ पर अभी कुछ भी अजीब होता है या फिर मुझे देखने को मिलता है तो। खैर ठीक है, मुझे ना लेजी रिवर की तरफ जाना था और वो रहा सामने लेजी रिवर का रास्ता, फटाफट वहाँ चलते। और घड़ी देखो, घड़ी में कांटे ही नहीं है। ऊपर काफ़ी सारे दरवाजे हैं बट उनका कोई मतलब यहाँ पर बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। लेजी रिवर की एक एंट्रेंस उधर है और आई थिंक वो एग्ज़िट है। हाँ वो एग्ज़िट है, एंट्रेंस ये है। फटाफट से चलते हैं, शायद जब मैं इधर से घूम के जाऊँगा तो मैं वहीं से निकलने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ। यार ये क्या है लेजी रिवर, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब अगर यहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ होती, लोग खेलने कूदने आए, इन्जॉय करने आए, तब ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। बट इस जगह पर अकेला बंदा कितना अजीब लग रहा है यार। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्कूल जाते हो और सारे स्टूडेंट्स हैं तो कितना सही लगेगा, बट पूरे स्कूल में आप अकेले पढ़ने आ रहे हो, मतलब टीचर्स भी नहीं है, आपको बस जाना है और पढ़ना है, तो कुछ उस टाइप की फील समझो यार, मतलब बहुत अजीब है। अभी फिलहाल मैं लेजी रिवर में चलता जा रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी हॉरर देखने को नहीं मिला अब तक। बस मैं चलता जा रहा हूँ, अलग अलग जगह आते जा रही है, बट अभी तक कुछ भी ऐसा मेरे को डरावनी चीज़ नहीं लगी, तो मैं इन्जॉय कर सकता हूँ इस गेम को। बट यार जैसा कि मैंने कहा था, ये एक एटमॉस्फेरिक हॉरर गेम है, तो एटमॉस्फेयर तो फुल हॉरर वाला हो रखा है। फिर आगे चल के देखते हैं कि ये हॉरर एटमॉस्फेयर हमें कितना डरा सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पर दो रास्ते आ चुके हैं, एक जा रहा है राइट को और दूसरा जा रहा है स्ट्रेट। आई थिंक ये जो राइट वाला है ना, ये भी घुमा फिरा के स्ट्रेट ही जा रहा है। यस, तो मैं कहीं से भी जाऊँ ये रिवर मुझे एक ही जगह लेकर जाएगी। अभी एक जगह मुझे थोड़ी बहुत ही अजीब देखने को मिली है और ये एक छोटा सा झूला है बस। वाह, और एक सेकेंड सामने गाइस, अभी एक थोड़ी डिफरेंट सी जगह मुझे देखने को मिली है और यहाँ पर भी एक मस्त फुवारा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का सारा पानी यहीं पर आ चुका है, मतलब हर जगह पानी, इधर से भी पानी आ रहा है, वहां पर भी सामने पानी का फुवारा चल रहा है। गाइस इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं घूम कर जिस जगह से गया था उसी जगह पे वापस आ गया, या तो ये सेम जगह दो दो बार बनी हुई है पीछे भी। हाँ नहीं, मैं वापस नहीं आया, ये दोबारा यहाँ पर कुछ वैसा ही बना हुआ है। तो ठीक है, चुपचाप से आगे बढ़ते। मैं सच्ची में वापस आ गया या फिर मैं किसी लूप में फंस चुका हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। अब मैं यहीं से गया हूँ और वहीं वापस आ गया। ये देखो, ये फिर से कुछ वैसी सी जगह है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बस एक ही जगह पर घूमता जा रहा हूँ और रास्ता भटक चुका हूँ मैं। भाई नहीं, ये सेम जगह नहीं है, मैं यहाँ पर अभी तक नहीं आया। यहाँ पर एक मस्त झूला बना हुआ है और अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँ तो फिर से वही जगह आ गई। मैं खो गया भाई, ये भूल भुलैया है कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक, जहाँ पर हर तरफ पानी बिछा हुआ है, फुवारे लगे हुए हैं। वेट यार, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिससे मैं रास्ता याद कर सकूँ या फिर कोई मार्क छोड़ सकूँ, बट ठीक है। नहीं मैं फिर, अरे यार अब थोड़ा सा दिमाग चकरा रहा है इस जगह पे। वेट, मैं एक बार ना यहाँ से सीधा जाने का ट्राई करता हूँ। मैं उस जगह पे वापस जाना चाहता हूँ जहाँ पर से मैं ऊपर से नीचे आकर गिरा था, बट ऐसा कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ और सेम टू सेम वही जगह मेरे पास आकर रिपीट हो रही है। पता नहीं यार मैं गोल चक्कर काट रहा हूँ क्या एक ही जगह के। बट वेट, ऐसा नहीं है, ये जगह बनी ही कुछ ऐसी है। ये देखो, अगर मैं यहाँ चले जाता हूँ तो मैं कहीं और ही निकल जाऊँगा। स्टाफ ओनली, ये दरवाजा मुझे अभी तक नहीं, ओपन हो जा प्लीज। ओह वाओ, पहली बार कोई डोर ओपन हुआ है इस गेम में, बट अंदर इतना अंधेरा क्यों है। ओके, कुछ अलग होने वाला है। डन, छी, एक स्विमिंग पूल से हटो तो दूसरे अलग स्विमिंग पूल में आ जाओ। पता नहीं क्या है ये, अभी यहाँ पर थोड़ी सी अंडरग्राउंड स्विमिंग है। दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ वाटर रिजर्वायर, हो सकता है हाँ शायद यहाँ पर पानी वानी साफ होता हो, बट इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्यों बनाएगा कोई इस जगह को। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से, ये ग्लिच था या फिर मैंने सच्ची में, वहाँ पर आपको कुछ गाइस ब्लैक
मेरे को ना इधर पता नहीं क्यों भी ऐसे लगा कि ब्लैक कलर का कोई आदमी खड़ा हो. आई थिंक ग्लिच होगा या फिर कुछ तो अजीब था ये गेम. हमें बस डराने को रिफ्लेक्शन हो सकता है आई थिंक. कोई है? हेलो, मैंने देखा तो है, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ. एक ब्लैक कलर का शैडो था शायद. बाकी मैं यहाँ पर पानी में आ चुका हूँ. मुझे सामने एक गेट दिखाता और उसका जो वायर है ना गाइस वो इधर आ रहा है ये देखो. और क्या मैं यहाँ से ऊपर चढ़ पाऊँगा? मैं इसको ओपन कर सकता हूँ आई थिंक. यस, मैं ऊपर आ चुका हूँ. मुझे इसे ओपन करना है और इसको मैं वेट इसको मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट करूँगा तो शायद ये ओपन हो जाएगा. और अभी मुझे डर लग रहा है पीछे से कोई आए ना. कोई नहीं है, मेरे को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पर फिर एक स्विमिंग वो अभी तो मैं 100% श्योर हूँ मैंने उसे देख लिया है. किसी का तो शैडो आ रहा था या फिर नीचे या पानी के अंदर ही कोई ब्लैक कलर का बंदा खड़ा था. हटो यार, ये जगह अब अजीब लग रही है. पता नहीं क्यों, अभी तक मस्ती हो रही थी बट अभी ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे से कोई ना कोई तो मुझे देख रहा है. मेरे को मतलब मेरे पे नज़र रख रहा है कोई, ऐसी फील आ रही है. इफ़ आई ड्राउन हियर नोबडी विल नोटिस. और नहीं तो क्या, पता नहीं यार ये एलियन वेलियन का जगह लग रहा है मेरे को तो. ओके, तो मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ और इस तरफ में ये जो वायर है मैंने इस वायर को ओपन करके शायद ये वाला गेट ओपन कर दिया. यस, ये देखो पहले ये गेट बंद था, अभी ये गेट ओपन हो चुका है. यहाँ पर एक स्विमिंग ट्यूब है, नीचे एक रास्ता जा रहा है. फटाफट मैं ऐसे स्विमिंग करके ना बाहर निकलता हूँ. मैं उस वाले के अंदर तो नहीं जा सकता. यस, मैं ऐसे अंडर वाटर स्विम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस पानी के ऊपर ही ऊपर स्विम कर पा रहा हूँ. फटाफट जंप मार के यहाँ से निकल. अभी मेरे को फिर से वहाँ पर कोई दिखा, या तो ये कोई बग है इस गेम का छोटा मोटा जो हमें खाली पीली परेशान कर रहा है, या है कोई जो एक सेकंड के लिए दिखता है और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वो गायब हो जाता है. यहाँ पर पानी का कुछ तो यूज़ है यार. अभी थोड़ी बहुत गलत वाइब आ रही है पता नहीं क्यों. बाकी यहाँ पर एक डोर है, ये डोर ओपन करने के लिए मुझे उस वायर को फॉलो करना होगा. ये वायर जा रही है यूँ सीधे 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 इस वाले रूम के अंदर और मुझे इसको ओपन करना है. वेट, यहाँ पर यार ऊपर पता नहीं कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं. खैर ठीक है, मैं इसको एक बारी ओपन करने का ट्राई करता हूँ. ये करा मैंने इसको ओपन एक को. ओ वेट वेट वेट, ये ऐसे नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा. इसको मुझे पूरा ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा ताकि ए एंड बी बोथ कनेक्ट हो पाएँ. लेट्स गो, ये कर दिया मैंने इसे कनेक्ट. परफेक्ट, तो शायद से भी सामने वाला दरवाज़ा ओपन हो चुका है और मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ. बट अभी थोड़ी सी गलत फील आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बंदे को अच्छे से देखा था. कौन है भाई वो? नथिंग अबाउट दीज पूल्स मेक्स एनी सेंस. वो चलता हुआ दिखा अभी मेरे को. कौन है भाई? कौन डराने की कोशिश कर रहा है? या तो कोई जगह है यहाँ पर किसी की आत्मा भटक रही है और जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करता है वो उसे मार देती है. नहीं ऐसा होगा नहीं. वेट, ऊपर गया क्या भाई तू? कौन डरा रहा है यार? मैं इसको ओपन करूँ क्या? क्या है इसमें? वो कुछ भी नहीं मिलने वाला शायद. मैं सारे एक बार ओपन करके देख लेता हूँ बट इसमें होगा नहीं कुछ, देख के पता चल रहा है. ये सारे के सारे खाली यहाँ पर, ये ब्लैक वाले हैं, ये ओपन कर देता हूँ. कुछ भी नहीं है भाई. क्या टाइम वेस्ट बना रखा है इन्होंने? क्या ये छी, सब के सब खाली हैं. मैं नहीं चेक करने वाला. वेट, सारे चेक कर लिए और फिर बोलो चेक नहीं करने वाला. वाह यहाँ पर वाह, अंधेरा अंधेरा होता जा रहा है भाई गेम में. बट अच्छी बात यह है कि मैं धीरे धीरे करके क्लाइंब कर रहा हूँ और शायद मैं जल्द ही एग्जिट की तरफ भी पहुँच जाऊँ. यहाँ पर पूल है और सामने अब जो स्टेयर्स मुझे दिखी है ये सच्ची में बहुत ही गंदी वाइब क्रिएट कर रही है. मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से ऊपर जाने का. यार ये बिल्कुल ना एक अंडरग्राउंड वाटर पार्क की फील दे रहा है सच्ची में. मतलब जहाँ पर हम लोग खेलने कूदने जाते हैं समर में, कुछ उस टाइप का वाटर पार्क. बट यहाँ पर उनको कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पानी कौन ही बनाएगा यार ऐसे. वेट 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 वेट, वहाँ से खरी पाइप है जो कि रोटेट होकर यहाँ से नीचे जा रही है. क्या मुझे इस पाइप से जाना है क्या? वेट, आई कांट बिलीव आई एम अबाउट टू डू दिस. क्या चीज़ यार, ये जगह भी मैंने अच्छे से देख लिया है. एक बार पाइप पर कूदूँ? अभी नीचे चले जाता भाई मैं सही में. चुपचाप ना यहाँ से आगे बढ़कर देखता हूँ. आई थिंक पाइप के थ्रू कोई ना कोई तो रास्ता है जो कि. ओ हाँ, ये देखो ये जो पाइप है ये एक अलग जगह पर मुझे लेकर आ गई. नाइस, तो स्लाइड सपोज टू बी फन. मैं इस पर जंप मार सकता हूँ क्या? मैं ये सोच रहा हूँ एक बार जंप मारने का ट्राई करता बट मैं नीचे आके गिर चुका हूँ.
और शायद अगर मैं उसे और बार ट्राई करूँ तो वो पॉसिबल है। और मैं इसके अंदर भी, भाई मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा लेकिन बहुत अंधेरा है, वो पकड़ लेगा अंदर ही और बाहर नहीं आने देगा। बहुत ख़तरनाक बंदा लग रहा है मेरे को वो, मतलब अभी तक तो दिखा ही नहीं है मेरे को, शैडो दिख रही है कोई, बस असली बंदा कैसा होने वाला है वो मुझे देखना है पक्का, वो बहुत अजीब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ। एक बहुत अजीब हॉरर गेम है, मतलब पूरी शांति, कोई चिल्लाने की आवाज़ें नहीं, कोई ब्लड नहीं, बस एक शांति भरा माहौल, सुनसान, बहुत बड़ी जगह और वो डरावना आदमी जो बीच बीच में आके हमें नज़र आता है। खैर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और सामने मुझे ना एक टॉयलेट नज़र आया है। ये फाइनल एग्जिट तो नहीं है, ये लेडीज़ टॉयलेट है और ये मेल टॉयलेट है। ओके लोडिंग, तो अभी मैं यहाँ पर इस टॉयलेट के अंदर आ चुका हूँ और इधर लिखा है एग्जिट। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर भी जा सकता हूँ क्या? आई थिंक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, फटाफट यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ। और इधर भी काफ़ी सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं, बट इधर यार बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और ये कितना ज़्यादा बड़ा टॉयलेट है यार, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक सेकंड, यहाँ पर एक पाइप है ओ नहाने धोने के लिए, मतलब अपना स्विमिंग पूल से निकल कर आने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बाथ ले सकते हैं ताकि कपड़े चेंज करके घर जाएँ। और यहाँ पर यार ये पक्का कोई बहुत बड़ा स्विमिंग का ट्रेनिंग एरिया है, पर कोई एंट्रेंस नहीं है, इंसान का कुछ ऐसा पता ही नहीं है यार इस जगह पे। दूर दूर तक कितना बड़ा टॉयलेट है, इधर क्या लिखा है कीप मूविंग। अब तो कोई हमसे मजे लेगा, अब थोड़ी गलत फील आई है। वेट, यहाँ पर ये कैबिनेट चमक रहा है, नहीं बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। या मेरे को बाहर निकलना है, मैं आया कहाँ से था कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये अपने आप बंद हूँ, मतलब खुला है, पता नहीं यार वो वाला डोर शायद अब आवाज़ आ रही है भाई, कुछ तो गलत, बट मैंने नोटिस करा वो वाला डोर अपने आप खुला है। मैम ये फिर से वही डोर है या ये अलग डोर है, पता नहीं। इज देयर समवन इन हेयर विद मी, हेलो कोई है? और यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, इधर से आवाज़ आ रही है मेरे को, पानी चलने की, मेरे को इधर से पानी की आवाज़ आई। कोई है क्या, क्या हो रहा है यार यहाँ? कीप मूविंग, ये रहा एग्जिट एग्जिट एग्जिट, बट ये गेट अपने आप बंद चालू हो रहा है। वो कौन है भाई, वे कौन है, भैंस की टा, वो भाई ये क्या है, ओह एक मिनट वहाँ कुछ तो है भाई, ये किसी की आत्मा यहाँ भटक रही है क्या? भाई 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 ये क्या है, कौन है भाई तू तो? यार ये देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रहेगा, फिर से दिख ही नहीं रहा मुझे, ये उसकी शैडो आ रही है। अबे उस बाथरूम का गेट अपने आप बंद चालू हो रहा था, आ रहा है क्या वो? अब नहीं आ रहा मेरे पीछे, पता नहीं वो कहाँ गया, पर सारे के सारे नलके अपने आप चलने लग गए हैं, मुझे एग्जिट करना है यार यहाँ से। वेट यार ये क्या जगह है, यहाँ पर अभी भी कीप मूविंग लिखा हुआ है भाई। वेट वेट वेट, एग्जिट है कहाँ यार, मैं कहाँ से आया था इतना बड़ा? मैं सीधे सीधे चलता हूँ पक्का, कोई ना कोई तो एंड होगा इस वॉशरूम का, मतलब इस पूरे के पूरे बाथरूम का। पता नहीं कैसा लॉकर रूम बना रखा है यार इन्होंने यहाँ पर। ये देखो मैं अगर सीधा सीधा भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं वेट, यहाँ से भी मुझे मुड़ना होगा शायद, बट ये तो मैं वापस चले जाऊँगा। वेट वेट वेट, क्या है भाई, मैं एक ही जगह घूम ही जा रहा हूँ क्या यार? मान लो भी मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ, ठीक है मैं यहाँ से सीधा ही जाऊँगा उस तरफ में, मतलब अब मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगा, ये रहा एक रास्ता, मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, अब मैं वापस यू टर्न नहीं लेने वाला अब। लेकिन रास्ते भी तो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अभी मैं शायद एकदम सही जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में मैं एग्जिट की तरफ पहुँच जाऊँगा। ओ फाइनली एग्जिट मिला। तो जो रियल घोस्ट है या फिर जो भी है इस गेम का, उसको मैंने देख लिया है, उतना हॉरर नहीं लगा मेरे को, ऐसा लगा नहीं वो परेशान करना चाहता है, बट वो मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, वो आगे चल के मुझे तंग करेगा या जो भी है, उसने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करी है भाई।
इन एंड आउटलेट. असली एग्जिट तो यही है. और ये क्या है? आई यूज टू लाइक गम्बॉल्स. ओके यार, एक एग्जिट मेरे को मिल चुका है बट अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड हूँ. या फिर ये ऊपर सनलाइट आ रहा है. ओ वेट वेट वेट, सामने ये जो जगह है शायद मैं यहाँ से क्लाइम कर सकता हूँ. आई थिंक ये बने ही इसलिए है. ठीक 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 ठीक, लेट्स गो. कसम से बहुत अलग जगह है, बहुत गंदी अजीब जगह है. मैं चढ़ना है ना इस पर? यस चढ़ना है. ये मैं चढ़ के आ चुका हूँ. अरे यार मूव हो. यप ये आ गया मैं ऊपर. और सामने मुझे राइट साइड पे रास्ता दिख रहा है. और इधर मेरे को नहीं लगता वो आया है. उसने उस टॉयलेट तक ही मेरा पीछा करा था. और शायद मैंने इस गेम के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट, ऐसी फील आ रही है. बट वो भी आगे चल के पता चलेगा कि उन्हें क्या वाला. भाई ये क्या रास्ते बना रखे हैं, कहाँ क्यों किस लिए जाना है नहीं मालूम. ओके ओके ये वही जगह है. और सामने बहुत गलत अंधेरा है. और इस तरफ क्या है? ओ तो यहाँ पर एक ये वेंट का डोर था जो कि ओपन हो चुका है. और शायद ये रहा एग्जिट. डन. ओ नहीं ये एग्जिट नहीं है, मैं उस जगह के दूसरी पार आ गया हूँ. यहाँ पर ये पार्किंग है आई थिंक. हाँ ये पार्किंग है. बट यहाँ पर ये पार्किंग क्यों बनाई है, किसने बनाई है, कोई आइडिया नहीं. यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, दरवाजे हैं इधर. इसके अंदर एक बारी चल के देखता हूँ कि आखिर ये दरवाजे. अबे क्या है ये गेम, समझ ही नहीं आ रहा. फुल शांति भरा, कोई है ही नहीं यहाँ. बेचारा एक प्यारा सा भूत आया था, भूत भी नहीं था, पता नहीं क्या भटकी हुई आत्मा थी भाई. वो कुछ कहा भी नहीं उसने. बट या इस गेम ने एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया है. एक शांति भरी जगह पर अब डर लगेगा भाई जाने में. सही में ये एक शॉपिंग मॉल है भाई. अब अभी तक मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा था, अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ आ रही है. पार्किंग भी लग रहा है, शॉपिंग मॉल भी लग रहा है. और ओके एग्जिट नाइस. तो चलो गाइस आज की सारी वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना. मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये गेम मज़ेदार था. एक सोलो डेवलपर ने, मतलब कोई कंपनी कोई टीम नहीं, एक अकेले बंदे ने इस गेम को बनाया. और जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है ना हॉरर वाला, वो बहुत खतरनाक था. बस ऐसी कुछ आवाज़ें आ जाती ना और, तो गेम सच्ची में अकेले खेलने बैठो तो भाई किसी को भी डरा सकती है, मतलब बिना कुछ हुए भी. तो मज़ा आया गेम को खेल के. आई होप आपको भी देखने में मज़ा आया होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा के. और कमेंट्स में इस टाइप की और भी गेम्स के बारे में मुझे बताओ. बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.